देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 7 से। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले हम लोगों ने सवाल नंबर 6 तक पढ़ लिया था, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 7 से। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो सवाल है इसमें, सवाल नंबर 7 जो है वो यहाँ पे हमें इसका औकलन करना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि औकलन ही पढ़ रहे थे हम लोगों ना, तो यहाँ पे इसका औकलन करते हैं। तो सबसे पहले इसका औकलन करने के लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए कि जो लॉग का सूत्र होता है, अगर जब कोई भी आप लॉग एक्स है जैसे इसका हमें आकलन करना है, तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/x होता है और साथ में क्या होता है, लॉग ई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि इसका मान जो होता है वो 1 होता है, इस वजह से हम लोग इसको नहीं लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ, और 1/x को 1 से गुणा करोगे तो यही हो जाएगा, तो इसलिए बोल देते हैं कि लॉग एक्स का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है। तो इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग इसको मान लेंगे कि माना y बराबर में लॉग, ये जो बेस में 10 लिखा है ना, इसको 10 ये बेस होता है, ठीक है, इसको बेस में बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है लॉग base 10x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका अवकलन करने के लिए हमें इसको पूरे को x मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि ये x है, ठीक है, जो कि x नहीं है। तो देखो अगर हम किसी चीज़ को मान के उसको मान लेते हैं, क्योंकि सूत्र तो हमने x वाले इसके स्थान पे x हो तो पढ़ा है, वो वाला सूत्र पढ़ा है, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, बस इसको हम x माने रहेंगे। ठीक है, फिर इसका हम दोबारा अवकलन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से जब किसी चीज़ को अपने मन में मान देते हो फिर उसका दोबारा अवकलन करते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं श्रृंखला नियम, सीरीज नियम बोलते हैं। ठीक है, तो सीरीज नियम के अकॉर्डिंग हम लोग इसका दोबारा अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर पूरा इसको x मानेंगे तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, इसका जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो आप लिख लेना या इसके सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/x होता है, तो 1/x के स्थान पे ये, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग base 10x हो जाएगा। और उसके बाद ये मॉड है, मॉड का मतलब कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस में है, तो इसलिए आप इसको लगाओ या ना लगाओ अब इसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अब हमें इसका दोबारा अवकलन करना है, और यहाँ पे देखो लॉग ई है ना, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर कुछ नहीं बेस में कुछ नहीं होता है तो उसको ई मान लेते हैं, तो लॉग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, base 10 है तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। अगर बेस कुछ ना हो तो ना लिखो, अगर कुछ लगा है तो ज़रूर लिखो, ठीक, उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये इसका तो आकलन हो गया सिर्फ इतने का, अब हम इसका दोबारा आकलन करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/ ये जो एक्स है तो 1/x हो जाएगा, उसके बाद लॉग 10 base 10 है ना, ई हो जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं ऐसे, हैं लॉग ई base 10 है ना, ऐसे पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो अब कह दो कि यहाँ पे ये 1 लिख दो, 1 हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि ये चीज़ अलग है। अगर यहाँ पे लॉग ई मतलब लॉग ई बेस ई होता है तब इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन अगर लॉग यहाँ पे बेस में कुछ और हो जैसे 10 आ गया ना, तब हम इसका वैल्यू 1 नहीं बोल सकते। ठीक है, इसका वैल्यू 1 नहीं होता अगर बेस अलग अलग हो तो। ठीक है, इसलिए हम इसको 1 नहीं लिखेंगे। तो अब यहाँ पे अच्छा लॉग की एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूँ, लॉग का एक नियम होता है, लॉग कल एक नियम मैंने बताया, लॉग का नियम बताया था कैसे, जब इस प्रकार से है इस प्रकार से हो तो ये आगे आ जाता है। ठीक, उसी तरीके से लॉग का एक नियम और होता है, देख लो कि अगर लॉग सी मतलब बेस में सी हो और यहाँ पे बी हो, बटे में लॉग बेस में सी ही हो और यहाँ पे ए हो, तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है लॉग, यहाँ पे जो बेस इनका सेम सेम है इस बेस को भूल जाओ और यहाँ पे जो लिखा है नीचे वाला जो लिखा बटा में उसको बेस बना दो और यहाँ पे जो बी है उसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये हो जाता है, ये लॉग का नियम होता है, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना आंसर लाएंगे जो आपकी बुक में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx। अब देखो ये देखो इसको और इसको हमें चेंज करना है, ठीक है, इतने को हमें इस सूत्र के अकॉर्डिंग मतलब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लॉग के चेंज करना है। अब हम लोग यहाँ पे जब इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो देखो ऊपर क्या है हमारा, log 10e है और log 10x है, दोनों का बेस, दोनों लॉग का बेस जो बटे में है दोनों का, देखो भाई बटे में है कि नहीं है, इसको 1 से गुणा करोगे तो वही चीज़ हो जाएगा,
दोनों का प्रॉपर्टी यानी कि दोनों का बेस सेम है, तो अब यहाँ पे ऊपर क्या है, ऊपर e है, नीचे क्या है x है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b के स्थान पर यहाँ पे क्या है e है, नहीं तो कन्फ्यूज जाओगे, और यहाँ पे जहाँ पे ये a है उसके स्थान पे क्या है x है, तो a बराबर x है। ठीक है, तो एक अकॉर्डिंग हो जाएगा जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लॉग, यानी इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो लॉग और नीचे बेस में ए है, ए के स्थान पे हमारा एक्स है तो इसको हम लोग एक्स बोल देंगे, और उसके बाद यहाँ पे बी है, ठीक, तो बी बी के स्थान पे हमें क्या लिखना है, ई लिखना है, हो गया ना। इस तरीके से इसको हमें इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बट गुणे में कितना है, एक बटे एक्स लॉग टेन, मतलब कि लॉग ई बेस टेन, ठीक है। बस हमारा हो गया आंसर, इसी को चाहो तो और अच्छे से लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया आपका गुणा में, और ये हो गया लॉग एक्स ई उसके बाद बटे में एक्स नीचे हो गया, और इसको लिख दो गुणे में लॉग बेस टेन ई हो जाएगा, ठीक है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, अगर ध्यान से करो तो कुछ भी नहीं है, बस आपको यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी लगाना था, इसलिए थोड़ा से अच्छा सवाल हो गया, ठीक। थोड़ा से बहुत लोगों से हो सकता है ना लगा हो, ठीक है। तो चलिए अब हम सवाल नंबर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, चलो सवाल नंबर 8 पढ़ते हैं। देखो ये है सवाल नंबर हमारा 8, तो इसको हमें सबसे पहले कैसे लगाना है, इसके लिए सबसे पहले हमें इसको वाई बराबर मान लेना है, वाई बराबर मान लेंगे, अब यहाँ पर हमें इसको लॉग पूरे को एक्स मान के चलना है, जब एक्स मान के चलेंगे तो इसका आकलन कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा एक बटे में एक्स हो जाता है, तो एक बटे में ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब चूंकि ये एक्स तो है नहीं है, हमने सूत्र एक्स वाला पढ़ा है, इसलिए हमें इसका दोबारा आकलन करना है, ठीक है, सीरीज नियम है ना। तो अब यहाँ पे इसका दोबारा आकलन करेंगे, तो x का आकलन कितना होता है, एक हो जाता है, प्लस में इसका आकलन कैसे करेंगे, एक बटा एक्स का कैसे करेंगे, देखो x को एक बटा एक्स को हम लिख सकते हैं, इसका घात एक है, नीचे ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन आगे आ जाएगा आकलन करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। उसके बाद में इसमें से एक घात घटा देंगे तो इसका घात कितना हो जाएगा, माइनस दो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक बटे में, इसका घात प्लस करने के लिए नीचे लाएंगे तो जाएगा एक बटे में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का एक बटे में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लो, ठीक है, तो और सॉल्व करेंगे तो इसका हर बराबर कर लो, तो इसको गुणा करेंगे तो एक्स एकन्नम है ना, इससे एक्स के गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में वन बटे में एक्स का नाम एक्स, ठीक, मतलब इसके नीचे एक है, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, फिर नीचे नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से इसमें भी गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का एक हो जाएगा, बटे में नीचे नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बटक नीचे बटा होता पलट जाता, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता, तो ये एक्स ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x बटे में x स्क्वायर प्लस में वन, और उसके बाद इंटू में x स्क्वायर माइनस वन बटे में x स्क्वायर, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बस आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस वन बटे में x x स्क्वायर प्लस वन, ठीक, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब सवाल नंबर 9 देखते हैं। तो देखो ये है सवाल नंबर 9, इसमें निर्देश लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक का एक्स के सापेक्ष में आकलन करना है। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति वाले, अब मतलब जितने भी सवाल मिलेंगे वो सूत्र वाले हो जाएंगे, जो त्रिकोणमिति का सूत्र मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था ना, अगर आप मान लो किसी ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सीधे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आकलन वाले चैप्टर में, आकलन वाले नहीं वैसे तो सांतत तथा अवकलनीयता नाम से चैप्टर होगा, उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, ठीक है, सवाल इस प्रश्न वाले सवाल मिलेंगे क्योंकि उसी चैप्टर का ये सवाल, तो चलो फिर देखते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लेना लिंक, ठीक है, वहाँ से देख सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे इसको हमें वाई बराबर मान लेना है, तो इसका आकलन करेंगे तो भैया यहाँ पे इसके लिए टैन का सूत्र पता होना चाहिए, जो टैन का सूत्र होता है ना आकलन करने पर,
तो वो वाला सूत्र पता होना चाहिए। तो जैसे टेन का होता है सेक स्क्वायर बन जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसके सापेक्ष इसका हम आकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेन के स्थान पर हो जाएगा सेक स्क्वायर, और इसको पूरे को हम लोग एक्स मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि टेन एक्स का सूत्र हमने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, तो एक्स के स्थान पर ये है तो इसको हम लिख देंगे, फिर ये एक्स तो है नहीं इसलिए दोबारा आकलन करेंगे, दोबारा करेंगे तो इसे तीन आगे आ जाता है भाई, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का मतलब जो सूत्र होता है जो आकलन होता है वो कैसे होता है, तीन आगे आ जाता है उसमें से एक घात घटा देते हैं, तो तीन घात था तो दो घात बचा है, ठीक है, बस यही हमारा आंसर हो गया। इसको मतलब इसका जो क्रम अच्छे से लिखने के लिए इसको आगे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स का घात तीन, ठीक है। उसके बाद इसको भी वाई बराबर, सवाल नंबर 10, इसको भी वाई बराबर मान लेना है, तो ये हो जाएगा साइन अंडर रूट में एक्स, इसको पूरा एक्स मान के चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा ये कॉस, साइन का अवकलन कॉस होता है अंडर रूट में एक्स, चूँकि ये एक्स तो है नहीं इसलिए अंडर रूट एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे तो एक बटा अंडर रूट टू एक्स होता है, तो इसको क्रम से लिख दो, तो ये हो जाएगा कॉस कन्नम कॉस, तो कॉस अंडर रूट एक्स बटे में टू अंडर रूट में एक्स, ठीक, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 11 पढ़ते हैं, तो सवाल नंबर 11 है आपका कि इसमें भी है वही चीज़ है, इसको भी वाई बराबर मान लेते हैं, वाई के सापेक्ष इसका अवकलन, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा पूरा एक्स मान के चलते हैं पूरा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस, उसके बाद में एक्स लॉग वन बाई एक्स, ठीक। अब चूंकि ये एक्स तो है नहीं इसलिए इसको दोबारा अवकलन करेंगे, जब इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के करेंगे, तो इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से पहला और दूसरा हो तो कैसे करते हैं हम लोग, पहला जो होता है उसको छोड़ देते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक बटे में भाई लॉग एक्स का क्या होता है एक बटा एक्स होता है, तो एक बटा एक्स के स्थान पर एक बटा एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक बटा एक्स, ठीक। उसके बाद प्लस लगाते हैं, फिर दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, पहले वाले का अवकलन करते हैं, तो एक्स का अवकलन करोगे तो एक ही हो जाएगा, तो बटा के नीचे बटा होता है तो पलट जाता है, ठीक, इसके नीचे एक मान लो तो ये पलट जाएगा, और सॉरी मैं वही तो सोच रहा हूँ इसमें क्या आ रहा है, ठीक है। देखो ये एक देखो ये जो सूत्र हुआ है वो इसका पूरा आकलन कर रहे हैं, तो ये तो यक्ष तो है नहीं है इसलिए इसका मैं दोबारा आकलन करना था, जो कि मैं यहाँ पे बोल चुका हूँ, तो अच्छा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा ठीक है। देखो इसका जो एक बटा एक्स का यहाँ मतलब इसका दोबारा करना है, ठीक है, तो एक बटा दो इसका आकलन अभी करके मैंने ऊपर बताया था कितना आया था आंसर माइनस में, याद ही रखो ना, मतलब मुझे तो याद हो गया ये वाला, एक बटा एक्स का जो आकलन होता है वो माइनस का एक बटा एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसका जब दोबारा आकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक बटा नीचे एक्स स्क्वायर लिख दें हम, हो जाएगा काम, है ना, तो ये वाले एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा माइनस एक बचेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स लॉग वन बाई एक्स इंटू में यहाँ पे माइनस एक बचा है, यहाँ पे देखो माइनस एक बचा है, उसके बाद प्लस में इसका घात देखो एक है, ऊपर ले जाएंगे इसका घात कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा घात माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि भैया अगर घात का घात घात हो तो यहाँ पे सबसे ये वाला जो घात होता है ये आगे आ जाता है, तो ये एक आगे आ जाएगा माइनस के एक, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस में सॉरी प्लस नहीं है लॉग वन बाई एक्स, उसके बाद ये क्या लिख दिया चलो काट दो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कितना कॉस हो जाएगा एक्स लॉग वन बाई एक्स, ये हो जाएगा माइनस वन और ये आगे आ जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस लॉग एक्स बन जाएगा, दोनों में माइनस है तो माइनस कामा ले लो, तो ये हो जाएगा इसको माइनस कामा ले लो और इसको आगे लिख देते हैं, ठीक है, ये क्रम से मतलब लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे कामा ले लेंगे तो दोनों माइनस में माइनस कामा लेंगे दोनों प्लस में जाएंगे अंदर, तो लॉग एक्स हो जाएगा, उसके बाद में कॉस हो जाएगा, उसके बाद कॉस के अंदर है एक्स इंटू में लॉग वन बाई एक्स, ठीक, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्लास सवाल नंबर 12 पढ़ते हैं, तो देखो ये है सवाल नंबर 12,
यहाँ पे लिखा है यदि वाई बराबर में कॉस का घात चार एक्स माइनस में साइन का घात चार एक्स है तो सिद्ध कीजिए कि डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू साइन टू एक्स। ठीक है, मतलब ये हमें सिद्ध करना है, मतलब ये हमारे आंसर लाना है, ठीक, इसको सॉल्व करना है। तो कर लेते हैं सिंपल सा। वैसे सबसे पहले हमें एक सूत्र पता होना चाहिए, क्या सूत्र होना चाहिए कि y बराबर में इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा हम ए स्क्वायर मानेंगे, इसको पूरा बी स्क्वायर मानेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में घट घट जाता है, एक ब्रैकेट में जुड़ जाता है। ठीक है, ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो इसको एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे और एक ब्रैकेट में इसको घटा देंगे, तो एक ब्रैकेट में इसको घटा दिया और एक ब्रैकेट में इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। देखो सूत्र आपको पता होगा, खूब पढ़ा होगा क्लास 10 में, है ना, क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, क्लास 11 में त्रिकोणमिति उसमें भी पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बराबर सूत्र होता है एक। ठीक, तो एक से इसको गुणा करोगे तो वही चीज़ हो जाएगा। और फिर से सूत्र आपने पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस टू एक्स होता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर जो सूत्र होता है वो कितना होता है, कॉस टू एक्स होता है, ये आप त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं कॉस टू एक्स। ठीक है, अब इसका अवकलन कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको पूरा एक्स मान चलो, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का सूत्र माइनस में, तो क्योंकि सी वाला है, उसके बाद ये हो जाएगा कॉस टू एक्स और टू एक्स का दोबारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू, तो पूरा हो जाएगा हमारा टू को आगे लिख दो क्रम से, तो माइनस हो जाएगा टू साइन टू एक्स। बस इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, ये देखो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलिए भैया सवाल नंबर 13 पढ़ लेते हैं। तो देखो ये सवाल नंबर आपका 13 है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें लिखा है कि यदि वाई बराबर में इतना है तो हमें सिद्ध करना है कि इतने डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना है। ठीक, यानी हमें कह रहे हैं कि सिद्ध करने का मतलब होता है कि अवकलन करो, आंसर इतना लेकर आओ। ठीक है, तो चलो करते हैं फिर। और अब यहाँ पे सबसे पहले सूत्र सवाल तो लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, वन माइनस में कॉस एक्स बटे में दो। ठीक है, अब मैं आपको त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र पढ़ाता हूँ। ठीक है, आपने कॉस टू एक्स वाला सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एक इसको इसके बराबर तीन तीन चार 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 की पाँच होते हैं सूत्र ना, तो एक तो होता है सूत्र कॉस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक, दूसरा सूत्र होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। देखो जितना यहाँ पे कोण है कॉस एक्स का, ये कोण होता है ना, ये जो कोण है ये टू एक्स है, उसी का आधा कोण यहाँ पे होता है। ये टू एक्स का आधा क्या हो जाएगा, आधा मतलब किसी चीज़ को दो से भाग कर दो से दो कट जाएगा, यानी एक्स आ जाएगा। तो इसका जो आधा कोण है वो कितना है, एक्स है, और यहाँ पे भी देखो इसका आधा कोण एक्स है। यानी कि अगर ये भी कॉस टू एक्स का सूत्र है, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक्स कर दें तो यहाँ पे जो सूत्र हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर, यहाँ पे इसका जो कोण होता है वो आधा होता है, जितना यहाँ पे होता है उसी का आधा यहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा हमारा सूत्र। ठीक है, हमें इसी सूत्र का ज़रूरत है, मैंने आपको बना के बता दिया है। ठीक है, अब भैया ये देखो माइनस में है, इसको हम इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, तो हम वही चीज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन, और इसको इधर लाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो, वन माइनस में कॉस एक्स के स्थान पर सूत्र हमारा बन गया टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। आपको याद नहीं रखना है, बस आपको यही याद रखना है कि कॉस टू एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, बाकी इस तरीके से आपको बना के मतलब निकाल के जब भी ज़रूरत पड़े बस ऐसे निकाल के फटाक से वह कर लेना है, लगा लेना है, और बाकी सवाल लगाते लगाते खुद याद हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई जहाँ पे ये है उसके स्थान पे हमें इसको रखना है, उठा के रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके स्थान पे हम लिख देंगे टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और बटे में दो, दो से दो कैंसिल हो जाएगा। तो जब कुछ कोई चीज़ स्क्वायर में होता है तो उसको बाहर निकालेंगे तो उसका स्क्वायर हट जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स बाई टू हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको x के सापेक्ष इसका आकलन कर देंगे, तो भैया ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और इसका हो जाएगा सूत्र कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, और एक्स बाई टू का दोबारा आकलन कर देंगे क्योंकि ये एक्स तो है नहीं, इसलिए इसका एक्स का आकलन करेंगे तो ये एक्स का आकलन एक होता है, नीचे बटे दो है तो दो हो जाएगा, तो इसका आकलन हो जाएगा 1/2 कॉस एक्स बाई टू। लेकिन भैया हमें देखो आंसर तो वैसे हमारा आ गया है ना, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, हमें इस तरीके से लाना है, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो चलो फिर बना लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला आपकी ये वाला सूत्र यूज करते हैं, ठीक है। अरे हम अपने अकॉर्डिंग नहीं सूत्र करते हैं, मतलब हम अब ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमें जो मर्जी हुआ एक बार इसको यूज कर लिया एक बार इसको यूज कर लिया, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। सवाल में जहाँ जैसा ज़रूरत है, जैसे गिरगिट नहीं होता है अपना रंग बदलता है, उस तरीके से आपको भी जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बदलना है बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे इसका ज़रूरत है तो हम लोग इस ये सूत्र का ज़रूरत है तो इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको इधर लाते हैं, देखो चलो फिर से सूत्र बताते हैं। कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos² x/2। x/2 क्यों, क्योंकि इस यहाँ पे जो कोण होता है उसी का आधा कोण ये वाले होते हैं, ठीक है। माइनस को इधर ले आएंगे तो ये प्लस में जाएगा, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में 1 बराबर में 2 cos² x/2। अब ध्यान से देखो मेरी बात, हमें लाना क्या है, हमें लाना है 1 + cos x लाना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो हमें 1 + x यानी कि इसको लाना है, तो हमें जो ये हमारे पास है जो cos x/2 है इसको हमें किसी न किसी तरीके से इस तरीके से अगर हम बना दें तो उसके स्थान पे इसको हम लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं, ये 1/2 को चुपचाप से लिखा रहने दो, ठीक है, ये dy/dx है, देखो 1/2 को चुपचाप से लिखा रहने दो। बाकी हम इसको ऐसे बना सकते हैं भाई, कोई चीज़ अगर जैसे मान लो कॉस है स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर है तभी तो बाहर निकलेगा एक्स होगा, तो यानी कि ये जो होता है ये ऐसे हो जाता है, तो फिर इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो कॉस एक्स को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर बना के अंडर रूट के अंदर कर देंगे, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, cos² x/2, ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, स्क्वायर लगा के अंदर कर सकते हैं इसको अंडर रूट के। अब देखो तो स्क्वायर तो चलो बन गया, अब हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है 2 का, तो 2 भी लिख लेते हैं हम लोग, लेकिन हमें फिर 1/2 से अंदर गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 तो था नहीं, तो यहाँ पे 1 था, तो यहाँ इससे इसको काट दोगे तो फिर 1 हो जाएगा। तो यानी कहीं पर भी कुछ भी आप लिख सकते हो, गुणा में लिख सकते हो, भाग में लिख सकते हो, जोड़ में लिख सकते हो, घटाने में लिख सकते हो, बस बशर्ते वहाँ पे उस सवाल में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या यहीं पे यहाँ पे 2 जो हमने लिख दिया है क्या इसी सवाल में कहीं फर्क पड़ा है, कहीं पर भी नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि भैया अगर इसको इससे काट दोगे तो फिर 1 हो जाएगा, और 1 से गुणा करोगे वही चीज़ हो जाएगा, इसको बाहर निकालोगे तो यही चीज़ हो जाएगा, तो कहीं भी कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। तो अब हम ऐसे कर सकते हैं, तो यानी कि अब हम इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं, तो लिख देंगे फिर इसके स्थान पर, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा dy/dx इज इक्वल टू 1/2, और इसके स्थान पे हम लिख देंगे क्या, 1 + cos x, उसके बाद यहाँ पे गुणा में ये है बटा में नीचे मतलब, तो बटे में 2 लिख देंगे, बस हो गया प्रूफ। इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना था, आ गया ना प्रूफ दैट, ठीक है। चलो भैया सवाल नंबर 14 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 वैसे आप लगाने की कोशिश करना, अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि सवाल आधे मतलब आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, तो आधे आधे घंटे का लेक्चर रखते हैं, और इसके बाद आप सवाल नंबर 14, 15 जो भी सवाल हैं उनको लगाने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। बाकी चलते हैं फिर, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आपको सवाल नंबर 14 और 15 लगाना है, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है।
इससे क्या होगा कि थोड़ा से हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करना, लाइक और कमेंट यही चीज़ बताते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं, फिर वो लाइक करते हैं, जिससे भी टीचर को पता चलता है कि अच्छा समझ में आ रहा है, मुझे और अच्छे समझाने की कोशिश करना है। फिर और अच्छे समझाएंगे, बाकी अच्छे से समझा ही रहे हैं, अपनी कोशिश तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो बाकी फिर और वीडियो जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले, अपनी चैनल पे सब्सक्राइबर्स और ज़्यादा बढ़ें, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले और हमें पढ़ाने का मन करे, ठीक है, और जिससे कि आप लोगों को और ज़्यादा हेल्प हो सके। तो चलते हैं फिर मिले अगले वीडियो में, बाकी आप लोग समझदार रहेंगे, ठीक। तो चलते हैं, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन नेक्स्ट वीडियो।